अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गुजरात का बहुत ही फेमस स्नैक्स बताने जा रही हूँ जो हम सभी को बहुत पसंद है। इसका नाम है पातोड़ी। पातोड़ी बनाना घर में बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन हमें इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आइए मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताती हूँ। हमें इसमें सही मेजरमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। हम एक बाउल लेंगे, ये हमें पूरा दो भर के छाछ लेनी है, और एक पूरा भर के हम बेसन यानी कि चने का आटा लेंगे। इंग्रेडिएंट्स में हम छाछ, बेसन, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च की पेस्ट और नमक टेस्ट टू अकॉर्डिंग, ऑयल, राई, कोथमीर, ग्रेटेड किया हुआ लीला खोपरा, राई और तेल हम भगार के लिए यूज़ करेंगे, खोपरा और कोथमीर हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें एक बर्तन में छाछ, बेसन, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च की पेस्ट और नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें एक भी गांठ ना बने। हमें इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक स्मूथ मिक्सचर रेडी करना है। इसमें एक भी लम्स ना रहना चाहिए। अब हम इसे पकाएंगे। 2 से 3 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम तक पकाना है। तुरंत हमें लो फ्लेम करके इसे लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें एक भी लम्स ना बने। ध्यान रखना है, हमें इसे लगातार चलाते रहना है। धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी ठीक होने लगेगी। इसे लगातार मिक्स करना है ताकि ये नीचे से ना लगे। देखिए, हमारा बैटर बन के रेडी है। अब हम एक थाल लेंगे, उसमें ऑयल नाखेंगे और पूरे अच्छे से फैला लेंगे। इसमें हम बैटर ऐड करेंगे और एक कटोरी की हेल्प से हम अच्छे से फैलाएंगे। देखिए, हमने अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसे कट करेंगे और रोल वालेंगे। हमारे रोल अच्छे से वल गए हैं, यानी हमारा बैटर अच्छे से बना हुआ था। अब हम इसे भगार करेंगे और गार्निशिंग करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।